मैं इस वक्त पल्ली गांव में हूं। मैं आपको नजारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आगजनी का माहौल बना है गोपीनाथ मुंडे की डेथ के बाद। जो यहां के लोग हैं, जो यहां के समर्थक हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उन्होंने अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है प्रशासन के सामने। यहां पर रह रह के जो छुटपुट की मारामारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके अलावा जैसे ही गडकरी आए और राजनाथ सिंह आए, प्रकाश जावड़ेकर आए, जो बड़े लीडर आए, वैसे ही लोगों ने हूटिंग करना चालू कर दिया उनके नाम से। खासतौर पर गडकरी और शरद पवार दो नाम ऐसे थे जिनके नाम पर मुर्दाबाद होने के नारे लगाए जाने लगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं पुलिस वाले बकायदा लाठीचार्ज कर रहे हैं। जब गडकरी अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और जब राजनाथ सिंह हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, उस वक्त उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया है। और उसकी वजह से उस गाड़ी में स्मृति ईरानी भी थी। ये आगजनी का जो माहौल देख रहे हैं आप, चारों तरफ देखिए पुलिस फैली हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक तरफ गोपीनाथ मुंडे की अभी भी चिता जल रही है, उसके ठीक बगल में ये सारी हरकतें हुई हैं बहुत कम वक्त में। और राजनाथ सिंह थे, और जब इनकी गाड़ियों का काफिला वापस जाने के लिए हेलीपैड की तरफ जाने लगा तो जो भीड़ है उसने अचानक से अटैक कर दिया। पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं, आप देख सकते हैं कुर्सियां हैं पूरी तरह फैली हुई हैं। सर गडकरी जी की, सर माफ कीजिएगा लेकिन गडकरी जी की गाड़ी पे हमला होते हुए देखा है मीडिया ने? नहीं, किसी ने किसी पे हमला नहीं किया। मीडिया ने, मेरे पास सब विजुअल है, मेरे पास विजुअल है, हमला दूसरी पार्टी, पथराव हुए हैं सर, पथराव हुए हैं, किसी भी पार्टी के हो पथराव हुए हैं, पार्टी अपनी थी। हमारी पार्टी का कोई ऐसा कार्यकर्ता या हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा काम नहीं कर सकता जी। आप ऐसा मत बोलिएगा, आप बोलिएगा कि शांति बनाए रखे, ये लोक नेता का अंतिम संस्कार है, हमें नमस्कार करना चाहिए इनको। सर लेकिन आडवाणी जी आए, आडवाणी जी आए, उनके विरोध में हुआ, उनकी गाड़ी पे पथराव हुआ है वहाँ पे। हम प्रणाम करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं सर, पथराव हुआ है सर, माफ कीजिएगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज की, पथराव हुआ है। आडवाणी जी की गाड़ी पे पथराव हुआ है, राजनाथ सिंह जी की गाड़ी पे पथराव हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी गाड़ी पे पथराव हुआ है। मैं भी यही हूँ, सुबह से और अभी तक मैंने नहीं देखा, एक बार जरूर पुलिस वालों, आपको पता लगा है? अभी पत्थर लगा है मेरे को, अभी उसके वास्ते इधर गए। आडवाणी जी की गाड़ी पे पत्थर हुआ है, पत्थर हो गए। और ये गडकरी जी की भी गाड़ी थी, वो भी निकल रही थी, उन पे भी पत्थर हुआ है, पत्थर हो गए। आपका नाम? कर्ण यादव। आप कहाँ तैनात है? सोलापुर में तैनात है। ये देख सकते हैं ये हालात हैं। अभी गोपीनाथ मुंडे जी फिलहाल अभी जस्ट कह सकते हैं आप, उनकी चिता अभी जल भी रही है, उनकी ही चिता को अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। और उसके बाद जब जाने लगे तो उसके बाद हालात बहुत बिगड़ते हुए जा रहे हैं। पुलिस कोशिश कर रही है लगातार हालातों को काबू में पाने के लिए। हमने देखा, पुलिस वालों से भी हमने बात करी है, पुलिस वालों ने कैमरों पे आके बात एक्सेप्ट करी है कि जो गडकरी है उनकी गाड़ी पे हमला हुआ है और जो हालात हैं उनको सुधारने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।